मैं गया से राजेश कुमार हम आपको बता देंगे कि पूरे हिंदुस्तान में किसान विरोधी बिल के लेकर के लोग सड़क पर बैठे हैं धरना पर बैठे हैं किसानों का हक हाँ अधिकार नहीं मिलता वही गया जिला में अलग अलग जो किसान हैं अलग अलग पंचायत का प्रखंड का जो किसान हैं उनके द्वारा भी कई बार आवाज़ उठाया गया है कि जो ट्रांसमिशन कंपनी के द्वारा जो बिजली विभाग का टावर लगाए जाते हैं उसके लेकर के सरकार लगभग तीन से चार लाख रुपया मुआवजा देती है किसानों को देने के लिए एक टावर पर खर्च आती है ये केंद्र सरकार का जो डाटा उसके अनुकूल ये बताया जाता है लेकिन जो किसान हैं गाँव के लोग भोले भाले किसान उनको ज़मीनों का मुआवजा नहीं मिलता है एक तरफ़ से हम ये कहते हैं कि जो ठेकेदार होते हैं कंपनी जिस कंपनी को भारत सरकार की तरफ से टेंडर दी जाती है उन किसानों को पैसा देने के लिए यह तो माफियागिरी होती है या बिचौलियों के साथ उनके बिजली विभाग के पदाधिकारी जो है वो मिल जाते हैं और किसानों को शोषण करते हैं किसानों का अलग अलग पैसे की भुगतान होती है एक किसान को दस हज़ार मिलता है तो किसी को पंद्रह हज़ार तो किसी को पचास हज़ार किसी को तीन लाख रुपया लेकिन ये सवाल खड़ी होते है कि जो किसान की जमीन है कीमती ज़मीन है उसकी मुआवजा देने के लिए जो निर्धारित मापदंड सरकार की तरफ से जो बनाया गया है वो विभाग के अधिकारियों के द्वारा नहीं दिया जाता पुलिस प्रशासन के जो वर्तमान बिहार के नीतीश जी के काल में एक एक्ट, एक्ट बना है कि सरकारी काम में बाधा का केस कर डालो किसी भी एक सरकारी काम में कोई बाधा पहुंचाता है या नहीं पहुंचाता है उसमें केस कर डालो और उसके तहत सरकारी अधिकारी कहीं ना कहीं इस कांड में दुरुपयोग भी करते इस केस के लेकर के जो अनुच्छेद बनाया गया है बिहार सरकार के द्वारा इसका गलत इस्तेमाल भी कुछ अधिकारी करते हैं हम आपको जीता जा जागता एक प्रमाण दे दें कि इस गाँव के किसान है ये तालाब इनका बना हुआ है और इसके बगल में हम आपको दिखा देते कि ये मकान भी बनी हुई है और इस मकान का भी मुआवजा नहीं मिल रहा है एक बगल में काफ़ी पुरानी एक फैक्ट्री भी है ये लगभग अस्सी के आसपास में ये फैक्ट्री बनी थी इनका भी मुआवजा जो है लगभग नहीं दिया जा रहा लेकिन किसान से हम बात करेंगे कि क्या इनको दिक्कत हुई और किस तरह की परेशानियाँ अनेकों धमकियाँ मिला झूठे केस भी किए गए लेकिन मुआवजा नहीं मिला क्या नहीं मिला, मिला जैसे इसे हम बार बार कह रहे हैं कि देखिए हमारे केस दोनों दिनों से हो लेते केस के फैसला कीजिए उसके बाद आइए कोई न्यायालय के कागज आप लेके आना है तो आइए हमको दीजिए उसके बाद हम मानेंगे फिर भी हम लोग तीन बापूत के चार गो के फंसाया गया और फंसा कर प्रशासन भी ला कर और पैसे देकर यहाँ ला कर और उसके बाद हम लोग के दबाव डालते हैं किसे नहीं जब काम चालू है तो काम चालू है हमने तालाब कम से कम तीन कट्ठा में तालाब का बर्बादी कर दिया और हमने यही बात बोला कि ठीक है आपका जैसे जिस तरह से पैसा मिलता है मिले लेकिन केस के उठाने के लिए हम कहें केस को उठाइए तो वो भी मुकर रहा है जो भी है अथी अति स्टाफ लोग से सब कहता है किसे बोलेगो तो भी जो बुझाएगा तो अब दूसरे केस में फंसाएंगे हमसे पहले भी कहा गया कि डेढ़ लाख रुपया दीजिए तो हम उस करेंगे इसलिए सुनील दास और जितना है प्रदूत जी जितना भी है हाँ सब एक ग्रुप में हो के हम डेढ़ लाख रुपया नहीं दिए तो ता हमारे तालाब तलाम टावर गाड़ने की कर रहा है जानकारी आखिर आप लोग जो किसान है कौन कौन अधिकारी की आप लोग बताए अजय अजय विभाग के अलग अधिकारियों कितने कौन कौन विभाग के अधिकारी को आप पता बताए तो अवधे जी जी उसे केस किए हम सब तो नाम बात को जिला प्रशासन के आप लोग अवगत करवाए हैं पूरी घटना को केस किए हैं तो जिला प्रशासन के यहाँ हम नहीं गए यहाँ तो देख रहे हैं फोरसे जब हमने बीमें आ रहा है तब जी ये है कि गांव के जो भोले भाले किसान हैं जिला प्रशासन और तमाम अधिकारियों के पास है ये लोग पहुंच नहीं पाते हैं और चूँकि हक हाँ अधिकार की जब बात होती है तो गांव में आज भी बहुत ऐसे सारे लोग हैं कि किसानों में एकता नहीं है बिहार में भी अलग अलग मुद्दों में हम लोग हैं कि किसान में एकजुटता नहीं है और जिसके वजह से एकजुट नहीं होने के कारण लोगों पर प्रशासनिक और जो माफिया जो हैं या बिजली विभाग के माफिया के हैं या उनकी बिचौलिया के हैं या उनके ठेकेदार के हैं वो हावी हो जाते हैं और उनको इंसाफ नहीं मिल पा रही है साथ ही ज़मीनों को जो मुआवजा जो सरकार की तरफ से केंद्र सरकार की के तरफ से जो निर्धारित किया गया है वो भी देने में कतरा रहे हैं मैं गया से राजेश कुमार